दिन में हमें मालूम हुआ कि इस प्रकार के पुल का एक हादसा हुआ है। हम लोगों ने तुरंत स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया। हम लोगों की बात स्टेट रिलीफ कमिश्नर से हुई और इमीडिएटली हम लोगों ने दो टीमों को डिस्पैच कर दिया। वो एनडीआरएफ की टीमें फॉर्चुनेटली कैलकटा के एक रज़र हाट मोहल्ले में थी, जहाँ पे वहाँ से निकली वो, और करीब आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालना, और उनमें कॉन्क्रीट्स के बहुत हैं, इसलिए हम सभी कटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हम छेद कर रहे हैं, होल्स बना रहे हैं, सो दैट वी कैन मेक एन एंट्री। और उसके बाद एंट्री करने के बाद ही पता चल पाएगा कि वहाँ उनकी स्थिति क्या होगी। हम लोग विक्टिम लोकेटिंग कैमराज, एयर लिफ्टिंग बैग, सभी प्रकार के इक्विपमेंट जो इस प्रकार के ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, हम ले गए हैं। और हमारी और भी टीमें मोबिलाइज हो रही हैं जो कैलकटा के बाहर बाहर के इलाकों से आएंगी, और वो मुझे लगता है कि आधे घंटे में वो भी पहुंच जाएगी। तो हमारे पास एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो जाएगा विद सफिशिएंट इक्विपमेंट, जिससे कि हम एक मैसिव स्केल पे ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। टोटल कितनी अभी तक टीमें? अभी दो टीम है और भी टीम है। दो टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, 80 लोग करीब करीब वहाँ पे हैं, और बाकी और भी टीमों को हम मिला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टीमें रहेंगी तो हमारे ऑपरेशंस में सहूलियत होगी। सर अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पाया है? कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितना जान माल का नुकसान हुआ है, कितनी अभी बॉडियां रिकवर हुई, ऐसा कुछ डिटेल आया है? अभी कोई ऑफिशियल डिटेल्स हमें नहीं मिला है। अभी मेरी कुछ देर पहले टीम कमांडर से बात हुई थी, और टीम कमांडर भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि एक्चुअली कितनी संख्या में लोग वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमें कुछ देर के बाद पता चल जाएगा कि कितने लोग अभी फंसे हुए हैं और कितने लोग निकाले जा लेकिन चुके सर जो हैं। चश्मदीद बता रहे हैं तकरीबन 150 के करीब लोग अंदर फंसे होने की है, और ये भी कहा जा रहा था जो पुल है निर्माण कार्य था और इसका काम काफी डिले हो रहा था, जो लोकल बॉडीज का कहा, तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास या अभी मुझे इन्वेस्टिगेट कर बताया रहे हैं? गया है कि 100 मीटर्स का पुल गिर गया है, तो 100 मीटर्स के पुल गिर जाने से संभवतः वहाँ पे ज़रूर कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए होंगे, और अगर फंसे हुए होंगे तो उनको निकालने की प्राथमिकता हमारी होगी, और अगर डेड बॉडी होगी तो डेड बॉडी को भी एक्सट्रिकेट करने की हमारी प्राथमिकता होगी। हम सबसे पहले चाहेंगे कि जो जिंदा बचे हुए हैं उनको निकालें। जल्द से जल्द हो सके। बिल्कुल।